नमस्कार, संसार क्रांति की टीम आज मौजूद है सफीदों में करमवीर सैनी जी के ऑफिस पे, जहां पे हाल ही में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इसी बारे हम बात करते हैं करमवीर सैनी जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि अभी आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, आपकी एक तरह से घर वापसी हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है और सभी धर्मों को, समाजों को साथ जोड़ के चलती है और सबके हित जो है वो कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित हैं। हमने सोच समझ के दोबारा घर वापसी का फैसला किया है ताकि सभी समाजों का समान विकास हो सके, सभी धर्मों को साथ ले सके, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी दोबारा ज्वाइन की। कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच फिर से जाना चाहेंगे? उनके कौन से कार्य हैं जो पिछली बार अधूरे रह गए थे, उन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? जहाँ तक सफीदों विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है, विकास की बात तो दूर की बात है, क्योंकि सफीदों में यहाँ बाईपास का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे एचरी बहुत बड़ी, एशिया में सबसे बड़ा गढ़ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे, जिस तरह से यहाँ साथ लगता पीलूखेड़ा ब्लॉक है जो सफीदों विधानसभा क्षेत्र में, कितने दुर्भाग्य की बात है, बहुत पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ पे नगर पालिका नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, नागरिक अस्पताल नहीं है, तहसील का दर्जा हासिल नहीं है। तो इस तरह जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं हमारे इलाके को नहीं मिल पाई हैं, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसी के साथ साथ जिस तरह से मुआना गाँव है, जिले का सबसे बड़ा गाँव है, वहाँ भी अस्पताल, नागरिक अस्पताल नहीं है, अच्छा स्टेडियम नहीं है, उप तहसील का दर्जा वहाँ पे मिलना चाहिए। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ज़रूरी होनी चाहिए, पर इस इलाके में नहीं है। और जहाँ तक बेरोज़गार भाइयों की बात है, बेरोज़गारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ सफीदों विधानसभा क्षेत्र जो है हरियाणा में पिछड़ता जा रहा है, और इसके विकास के लिए और नौजवानों को रोज़गार के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास करेंगे और इन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन में जाएंगे। जैसे हाल फिलहाल ही आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो हमारी एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात हुई थी, तो हमने उनसे सवाल किया था कि करमवीर सैनी जैसे कद्दावर नेता को आपने अपनी पार्टी में शामिल करने की क्या कोशिश नहीं की? तो उनका सीधा सा एक जवाब था हमें कि वो टिकट की गारंटी मांग रहे थे। तो क्या ये मान लिया जाए कांग्रेस में आप शामिल हुए हैं तो टिकट की गारंटी के साथ आप कांग्रेस में आए हैं? ऐसा ना तो कभी मैंने बीजेपी वालों से बात की, उन्हें मेरा जाने का कोई इरादा था, क्योंकि जिस सरकार ने 3 बार हरियाणा को जलाया हो, जो जात पात और धर्म की राजनीति करती हो और विकास से कोई लेना देना नहीं हो, तो उस पार्टी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने की बात है, मैं पहले भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, और आलाकमान जिस तरह से कहेगा, हाईकमान जो कहेगा, जो आदेश देगा, उसकी पालना करेंगे। सैनी साहब, जैसे कांग्रेस में अब सब पार्टियां बनी हैं, खेमों में बटी है पूरी कांग्रेस, तवर गुट है, हुड्डा गुट है और हमारे सुरजेवाला ग्रुप है, तो अगर कल को आपको एक जिम्मेवारी दी जाती है यहां से टिकट से लड़ने की, तो क्या आप इन ग्रुप में, इन सब जो नेता हैं उनमें तालमेल बिठा पाएंगे? ऐसा सारा ये जो संघर्ष कर रहे हैं, जो भी जितने भी नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य नेता हैं, सब ये कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से नकारा सरकार को चलता करें, सबका मकसद एक ही है, कोई पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं, सब का नेता जो है वो राहुल गांधी है। आप हल्के में सक्रिय हैं, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, आम पब्लिक से जाके मिल रहे हैं, किस तरह से आप सक्रिय हैं हल्के में, वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हमारा जनसंपर्क अभियान चला हुआ है, जिस तरह से हम गांव-गांव जाते हैं और परिवारों से मिलते हैं, सुख दुख में शरीक हो रहे हैं, और पुराने जो कार्यकर्ता घरों में बैठे उनसे संपर्क किया जा रहा है। आज आप देख ही रहे हैं, आज भी वर्कर आए हुए हैं, तो सबसे निजी तौर से हम संपर्क कर रहे हैं ताकि दोबारा से और सक्रियता के साथ चुनाव मैदान में उतरा जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जा सके। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके भूतकाल के बारे, जैसे आपने कांग्रेस को छोड़ा तो उस वक्त हुड्डा जी के साथ आपका मन भेद हो गया था या महत्वाकांक्षाओं ने आपको कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया? ऐसा कोई नहीं, राजनीति में हालात बनते हैं, हालात के अनुसार फैसले लिए जाते हैं कई बार, तो आज हालात हैं, उसमें कोई
ना किसी प्रकार का कोई आपस में मतभेद है, ना मनभेद है, कोई मनभेद नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। चुनाव लड़ने का टिकट एक कोई मिलती थी, चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ा। तो क्या आपको कभी मलाल रहेगा बसपा में जाने का? क्या आपके जीवन की एक बड़ी भूल है बसपा में जाना? कोई मलाल नहीं, मैं गया पार्टी ने उन्होंने मान सम्मान किया मेरा, चुनाव लड़ा पार्टी से, मैं कभी किसी का कोई खिलाफत करने का आदि नहीं हूँ और कोई मलाल नहीं है मेरे को। मैंने तो पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ा, उसमें मलाल ना होने की तो बात ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की। जैसे हाल में अभी अटल बिहारी जी के अंतिम संस्कार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल जी को हंसते हुए पाया गया है, क्या हम मान लें कि इंडिया को अपना पहला लाफिंग बुद्धा मिल गया? ये सब बकवास है, मैं खुद लाइव देख रहा था, कहीं एक भी एक सेकंड के लिए भी वो हंसे नहीं, पूरी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनको पूरा दुख है इस बात के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता थे, और सवाल ही पैदा नहीं उठता, ये फजूल की बातें हैं सारी। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, सैनी साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने हल्के के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे संसार क्रांति के माध्यम से, वो हमें दीजिए। हम तो ये संदेश देना चाहते हैं विधानसभा क्षेत्र के भाइयों को कि आप जब भी फैसला करें जुड़ने का, तो पहले सबसे पहले उसका चरित्र देखें, उस व्यक्ति का सच्चाई और झूठ में फ़र्क देखें। आज जब भी आप चुनाव करें किसी नेता का, क्षेत्रीय नेता का, तो सब बातों का ध्यान रखें, कौन झूठ नहीं बोलता, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन झगड़े करवाता है, तो ये सारी बातों, और कौन विकास करा सकता, कौन नौजवानों को रोज़गार दिलवा सकता है, और कौन जबान का पक्का धनी है। जब भी आप फैसला करें तो कम से कम सोच समझ के फैसला करें, ताकि आपको चुनने में दिक्कत ना आए। धन्यवाद सर संसार क्रांति से बात करने के लिए।